हाय करण हाय नम राधे राधे अरविंद हाय ओ हो गॉड ऑफ आयोसी हाय हाय तनवीर गॉड ऑफ आयोसी हाय हाय हेलो नो वीडियो हेलो हेलो लेक्चर इज नॉट स्टार्टेड यट मेरी आवाज़ आ रही है भाई सबसे पहले बोलो यस आवाज आ रही है तो ओ माय गॉड हाय सूरज थैंक्स फॉर केमिकल बॉन्डिंग वा भाई आवाज़ आ रही हो तो बस एक बार यस लिख दो यार ताकि क्या है कि अपन स्टार्ट कर सकें सर एलेवंथ बर्बाद है कुछ करो वाओ वॉइस वॉइस लो तेज आ रही है अभी आवाज ठीक आ रही है भाई हाय हेलो 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 अभी ठीक हो गया सब आवाज क्लियर यस सर ऑडियो वीडियो इज परफेक्ट विजय सर की जय हो वाओ अब आवाज आ रही है चलो गॉड ऑफ आय सी वेस्टेड आदित्य कैसे है भाई सर मैं ड्रॉपर हूं और मैंने वॉइस सही है ओहो एलेवन बर्बाद है एवरीथिंग इज प्रॉपरली वर्किंग वाओ यस सर सही है जब विजय सर का हो साथ तो डरने की क्या बात और नो प्रॉब्लम एवरीथिंग इज क्लियर यस सर क्लियर यस सर, सर ओके मेरे भैया भी आपसे पढ़े हैं ओ वाओ <coughs> वाओ विजय सर ओपी प्रणाम ओके क्या हम शुरू कर सकते हैं दोस्तों सर इलेवेंथ कुछ नहीं पढ़ा है इलेवंथ बर्बाद है बॉन्डिंग कहां से स्टार्ट होगा ओके okay. ओके okay. क्या हालचाल भाई सब सही दिव्यांश यस विजय सर का हो साहद तक डरने की क्या बात अच्छा आज हम ना सबसे पहले दस मिनट प्रॉपर एक ओरिएंटेशन लेते हैं कि हम कैसे स्टार्ट करते हैं समझ रहे मेरी बात कैसे हमें स्टार्ट करना है तो उसके लिए आप जितने भी आपके डाउट्स हैं आप यहां पर पुट करते जाइए फटाफट फटाफट ताकि जो है वो हम आपके उन डाउट्स का आंसर दे सकें केमिकल बॉन्डिंग दो हिस्सों में पढ़ाया जाता है जिन बच्चों को नहीं पता मैं उनको बता दूं पहला हिस्सा होता है आपका इलेवन केमिकल बॉन्डिंग पार्ट वन ठीक है दूसरा हिस्सा होता है केमिकल बॉन्डिंग पार्ट टू ठीक है और आप लोगों में से कई बच्चों को यह नहीं पता कि जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो प्रॉब्लम्स क्या आती हैं प्रॉब्लम ये आती है कि आपको केमिकल बॉन्डिंग लगता है पढ़ा हुआ है ठीक है लेकिन ये एस हेलो आपको लगता है कि अपन ने पढ़ा हुआ है यस सर इनऑर्गेनिक से स्टार्ट होगी यस सर ट्वेल्थ इनऑर्गेनिक से स्टार्ट होगी सारी क्लासेस लगेंगी भाई सारी होमवर्क डिस्ट्रीब्यूशन भी दे रहे हैं अभी मैं वही बताने जा रहा हूं आपको सारा न्यूक्लियस से पीडी यस सर सर आपको सारा मटेरियल अच्छे से दिया जाएगा बिल्कुल ईस्ट या वेस्ट हाँ सर आपसे ही पढ़ा है बुक्स अभी बता रहे है? सब बता रहे हैं आज पूरा बताएंगे कौन सा पार्ट है आई सी वीक है मेरी ओके एलिथ ऑन ऑर्गेनिक डन राधे राधे प्री रिक्विजिड ये सब अभी बताने वाला हूँ मैं आपको यही सारी चीज़ें समझा रहा हूँ विशाल सर को मेरा प्रणाम अरे वाह मेरा भी आपको प्रणाम राधे राधे सर मेजर डाउट ये है कि पी ब्लॉक याद नहीं होता बिल्कुल 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 सर आप बेस्ट हो इलेवंथ वेस्टेड विजय सर रॉक्स दुनिया सॉक्स सर मैं ड्रॉपर हूँ वाओ सर एस ब्लॉक कंटेंट में कमी तो नहीं होगी नहीं बिल्कुल नहीं होगी कंटेंट में कोई कमी नहीं होगी हम वैसे के वैसे ही पढ़ेंगे जैसे ऑफलाइन में पढ़ते हैं बिल्कुल बोर्ड पर लिख के आप उसे नोट करेंगे आपको हर चीज एक्सप्लेन की जाएगी प्रॉपर ठीक है हाँ स्टडी मटेरियल आपको प्रॉपर मिलेगा बिल्कुल टेंशन मत लीजिए और कंटेंट जो होगा वो एज इट इज आपको वही मिलेगा जो हमेशा हम पढ़ाते हैं जो ऑफलाइन में दिया जाता है जैसा का जैसा कोटा के अंदर मिलता है वैसा का वैसा ही मटीरियल आपको मिलेगा जी हाँ दोस्तों न्यूक्लियस का ही मटीरियल मिलेगा बिल्कुल टेंशन मत लीजिए एज इट इज मिलेगा बिल्कुल ऑफलाइन ही पढ़ाया जाएगा आप ऐसे सोचें कि आपको घर पे आकर के आपको पढ़ाया जा रहा ये है ये मानकर चलिए आप कोटा अब आपके घर पर आके आपको पढ़ा रहा है कोटा का कंटेंट आपको घर पे आके मिल रहा है हाँ जी वीजे सर ऑन फायर सर चैप्टर प्रोसीड यस तो मैं ये कहना चाह रहा था कि हम दो तरह से पढ़ते हैं इसको केमिकल बॉन्डिंग पार्ट वन और केमिकल बॉन्डिंग पार्ट टू तो पार्ट वन जो होता है वो इलेवंथ के लिए होता है ठीक है और पार्ट टू जो होता है वो ट्वेल्थ के लिए होता है तो जिन बच्चों को केमिकल बॉन्डिंग लगता है कि हमने पढ़ लिया वो ध्यान से सुने वो पार्ट वन अलग होता है पार्ट टू अलग होता है ठीक है तो हमारे पास दो पार्ट हैं डीपीपी मिलेगी क्या जी हाँ दोस्तों डीपीपी मिलेगी ठीक है अब हम पढ़ेंगे तो क्या होगा सबसे पहले हम पढ़ेंगे तो बेसिक से स्टार्ट होगा भाई जब स्टार्ट होगा तो हम हमेशा बेसिक से एडवांस की बात करेंगे क्या बोला जल्दी बताओ मैंने बेसिक टू एडवांस होगा इसमें आपको हम डीपीपीज भी देंगे ठीक है इसमें हम आपको एक शीट देंगे ठीक है डी और शीट के बाद आपको जो है वो शीट में क्या होगा शीट के अंदर आप देख सकते हैं क्या क्या होगा एक्सरसाइज ओ वन होगी ओ टू होगी एस वन होगी एस टू होगी ये मेन पी वाई की जेई मेन होगी पी वाई क्यूज और जेई एडवांस होगी ठीक है, जेई मेन्स भी होगी जेई एडवांस भी होगी ओ वन मतलब होता है ऑब्जेक्टिव ठीक है एक्सरसाइज ऑब्जेक्टिव वन ओ टू का मतलब होगा एक्सरसाइज ऑब्जेक्टिव टू एस वन का मतलब होगा थोड़ा सा सब्जेक्टिव एस वन यानी इंटीजर टाइम क्या होगा इंटीजर टाइप सर एसपी ब्लॉक ब्लोग ट्वेल्थ हाँ मैं अभी सारे ट्वेल्थ के टॉपिक लिखूंगा जो जो यहाँ पढ़ाए जाएंगे बिल्कुल जो बच्चे कह रहे हैं ना ये बार बार बोल रहे हैं बेटा हाँ बुक कौन सी लगानी है वो भी आपको बताई जाएगी आप बिल्कुल परेशान मत हो मैं सब कुछ लिख रहा हूं अभी आपको हाँ जी बिल्कुल वो भी आएगा अभी जब ये सब्जेक्टिव होगा ये सब्जेक्टिव होगा ठीक है तो आप देख सकते हो कि शीट्स आपको मिलेगी डीपीपी मिलेंगी ठीक है क्लियर हो गया यहां तक तो मटेरियल को लेकर के आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे कैसे आपको दिया जाएगा ठीक है ना ये आपके पास पूरी का पूरा मिलेगा टॉपिक अब कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो पढ़ाए जाएंगे ठीक है जी वैसा ही पढ़ाएंगे बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही पढ़ाएंगे भाई हाँ ठीक है अब अब इसमें क्या क्या होगा वो मैं बताने जा रहा हूं आपको ध्यान से सुनिएगा ठीक है सबसे पहले अब केमिकल बॉन्डिंग में कौन कौन से टॉपिक कवर होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ केमिकल बॉन्डिंग जो इलेवंथ वाला होता है वो कौन कौन सी चीजें कवर करके रखता है वो मैं आपको बता रहा हूं ध्यान से सुनिएगा ठीक है आया ना ठीक है तो देखो आप इसमें सबसे पहले आएगा आपको बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग क्या आएगा इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग उसमें मैं आपको क्लियर बताऊंगा कि यार क्या क्या होता है केमिकल बॉन्डिंग में आखिर केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है बिल्कुल बिल्कुल आपको मैं सब डिटेल देने वाला हूँ स्पर्श बिल्कुल आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए आज आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा एक भी क्वेरी ऐसी नहीं होगी जो सॉल्व नहीं होगी उसके बाद आएगा आपका लुईस स्ट्रक्चर अच्छा इस कोर्स में ये सबसे अच्छी बात होगी कि हम इसमें पूरा एनसीआर को कवर करेंगे एक एक चीज को ठीक है हाँ, इसमें ये जितना भी पढ़ाया जाएगा उसमें सब कुछ एनसीआर कवर होगा टॉपिक में अगर मान लीजिए हम आपको लुइस स्ट्रक्चर पढ़ा रहे हैं तो आपको उसके अंदर पूरी एनसीआरटी कवर होगी एक एक लाइन एक एक चीज यानी कि आपको हमारे पढ़ाने के बाद कभी भी एनसीआर दोबारा पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी तो बेसिक से पूरी चीजें कवर होती चली जाएगी फिर तीसरा आएगा आपके पास लुइस के बाद आपका वीबीटी फिर चौथा आएगा आपका वी के बाद हाइब्रिडाइजेशन ठीक है पांचवा फिर हाइब्रिडाइजेशन के बाद हाइब्रिडाइजेशन पूरा पढ़ा दिया जाएगा जिसके अंदर स्ट्रक्चर वगैरह सब कंप्लीट आएंगे ठीक है वैसे पी आर ठीक है क्या पढ़ाया जाएगा वैसे पी आर जी हाँ बिल्कुल 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 सब कुछ बताने वाला हूं दोस्तों आज बिल्कुल पीपीटी -पी भी लाएंगे बेटा बिल्कुल टेंशन होता शाहिब आप देखो एक बात जिंदगी में ध्यान रखना मेरी बात शाहिब आपसे लिख के पढ़ने का मजा ही अलग होता है यार फील आती है क्योंकि जो दिमाग में होता है ना वो पूरा उतरता है ठीक yes. है जी शाहिब आई होप आप समझ गए होंगे प्लीज यस साहिब शाहिब शाहिब साउंड लो है साउंड लो है अच्छा आप जी 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 बिल्कुल आपको हर चीज मिलेगी यस yes. अभी आ रही आवाज बिल्कुल ठीक है वैसे पी आर के बाद आपका जो छठा टॉपिक आएगा वेसपीआर के अंदर सारी डिटेलिंग कंप्लीट करने के बाद हम ठीक है डाइपोल मोवमेंट के पास जाएंगे ठीक है डाइपोलेंट के बाद आपका जो आपका टॉपिक आएगा वो आपका हाइड्रोजन इंट्स कंपाउंड आएगा हाइड्रोजन इट्स कंपाउंड आएगा हाइड्रोजन कंपाउंड के आने के बाद अब हम क्या करने वाले होंगे हाइड्रोजन कंपाउंड के बाद आपका ऑक्सी एसिड्स आएंगे ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है भाई एसिड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इसमें एसिड पे हम क्या क्या पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एसिड और नेमिंग ऑफ एसिड ठीक है नाइन्थ पॉइंट जो आएगा वो आएगा आपका स्ट्रक्चर ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड आपको बोला जाता होगा कि ये स्ट्रक्चर याद कर लो आपसे बोला जाता होगा कि स्ट्रक्चर याद करो लेकिन वो स्ट्रक्चर आपको याद नहीं होती है मैं आपको यहां पर याद नहीं करके बनाना सिखाऊंगा देखो भाई इनऑर्गेनिक बहुत ही सिंपल होती है ठीक है क्या होती है सिंपल पटेल पटेल आ गया हाँ सीटें कब मिलेगी सीटें बहुत जल्दी मिल जाएगी है ना हाँ उस पर काम चल रहा है डेडिकेटेडली तो प्लीज अलाउ करेंगे आप शायद हमें दो या तीन दिन के अंदर कम से कम एक हफ्ता मान लो आप तो ये मान के चलो तो क्या आप हमें देंगे टाइम बोलो ताकि आपके लिए एक बेस्ट क्वालिटी ऑफ कंटेंट निकल के आ सके आया ना ऑक्सी एसिड और ऑक्सो एसिड दोनों सेम ही होते हैं तो आपको रटना नहीं पड़ेगा इनऑर्गेनिक की फीलिंग में बदल दूंगा आपके लिए ये मेरी गारंटी है बस आपको क्लास में आना है प्रॉमिस करो इनऑर्गेनिक की पूरी फील आपको मैं चेंज कर दूंगा आप बिल्कुल परेशान मत होना ये आपका केमिकल वर्निंग पार्ट वन होता है पार्ट टू के अंदर हम क्या पढ़ेंगे वो देखना आप पार्ट टू जो होगा उसमें क्या होगा देखो पहला उसका जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो आता है बेंड्स रूल दूसरा जो टॉपिक आएगा वो आएगा आपका ड्रेगोज रूल ठीक है तीसरा जो टॉपिक आएगा आपके पास पैंट रूल ड्रेगो रूल के बाद जी ड्रॉपर बैच में भी बिल्कुल सेम ही पढ़ाएंगे आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है एज इट इज चलेगा ड्रॉपर बैच भी भाई हाँ ठीक है बैंट रूल ड्रेगो रूल के बाद आएगा आपका बैक बॉन्डिंग बैक बॉन्डिंग के बाद जो टॉपिक आता है वो आता है ब्रिज बॉन्डिंग प्लीज ब्लेस मी ओके डीपीपी कब से मिलेगी बहुत ही जल्दी भाई टेंशन मत लो ऐसे अभी देखो आज आपका पूरा का पूरा हम एक ओरिएंटेशन सेशन ले रहे हैं जो बहुत नीडेड होता है आपके लिए ठीक है आपको हर चीज मिलती जाएगी ठीक है ना टेंशन कौन सी बुक खरीदे रॉकिंग स्टार विजय सर हर एक बुक भी बताएंगे अभी रेन को आईओसी के लिए ओरिएंटेशन क्लास कराओ बिल्कुल वही मैं करवा रहा हूँ जीरो से ये मेरा प्रॉमिस है आपको जीरो से लेकर आपको हीरो बनने तक दुनिया का कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं होगा गारंटी है मेरी ये ध्यान रखना आप सर मेरा नाम यश है प्लीज ले लीजिए सर में बहुत पार्ट नहीं आता है सब करवाएंगे सब करवाएंगे बिल्कुल टेंशन मत लेना आप सब कुछ होगा रे यहां पर सारा सब कुछ पढ़ाया जाएगा जी बिल्कुल 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 हाँ जी आगे बढ़े ठीक है कौन सा बुक खरीदे वो भी बताएंगे अभी रुको पहले इधर देखो ब्रिज बॉन्डिंग ब्रिज बॉन्डिंग के बाद जो टॉपिक आता है उसका नाम होता है सिलिकेट ठीक है सिलिकेट्स के बाद अगला टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल ठीक है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल के बाद आएगा मॉलिक्यूल डू नॉट एग्जिस्ट ठीक है मॉलिक्यूल डो नॉट एग्जिस्ट के बाद जो आएगा वो आएगा आपका हाँ कौन सा नंबर हो गया था भाई मॉलिक्यूल डो नॉट एग्जिस्ट के बाद आएगा, आएगा आपका हाइड्रोलिसिस ठीक है और हाइड्रोलिसिस के बाद आपका जो है आएगा आइनी कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड के बाद आएगा आपका मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी यानी एमओ टी एमओ टी क्लियर दोस्तों हाँ बीच में तो नहीं छोड़ देंगे ये बहुत बड़ा डाउट है चार डाउट में क्लियर कर दूं पहला साल भर पढ़ाएंगे टेंशन मतलब आपका आईटी तक सिलेक्शन करा के दूसरा बीच में नहीं छोड़ेंगे क्लियर कट है आपके साथ क्या एक्सपीरियंस है क्या नहीं है मुझे नहीं पता बट हमारा एक्सपीरियंस है टेंशन मत लेना आप ठीक है कि आपको पूरा पढ़ाया जाएगा कोई टेंशन मत लो इस तरह की सारी अफवाहों पर आप जो है वो विराम लगा देना नेट पे जाके हर जगह जाके ये फेजान्स रूली होता है आयनिक बॉन्ड सभी जाकर के आप हर जगह हर प्लेटफॉर्म पर आप ये जाके बोल दो कि सर पढ़ाएंगे सर ने क्लास में बोला टेंशन मत लो जो हुआ उससे मुझे कोई मतलब नहीं लेकिन आप ये याद रखिएगा क्या कि आपको पूरा पढ़ाया जाएगा टीम जो दिख रही है वो डेडिकेटेड टीम है बहुत ही सिंसियर है प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह की बातों पर ध्यान मत दें फांस रूल होता है आइनी कंपाउंड हाँ इसके आइनी कंपाउंड इसके अंदर सारे रूल्स सब चीजें आएंगी ठीक है हाँ ठीक है ना हंड्रेड रैंक वाला कॉन्टेंट भी मिलेगा आपको और वन रैंक वाला भी कॉन्टेंट मिलेगा आपको और आपको सारे कॉन्टेंट मिलेंगे यहां पे जो भी आप चाहते हैं ठीक है जो भी आप चाहते हैं क्लियर दोस्तों जो भी आप चाहेंगे वैसा सारा कंटेंट मिलेगा क्योंकि हम जो पढ़ाएंगे आपको वो जीरो से लेकर टॉप रैंक तक पढ़ाएंगे चाहे वो जीरो हो चाहे वो आगे तक का हो क्लियर दोस्तों हाँ तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे <coughs> आया ना पक्का हाँ पक्का बोल रहा हूं रिवीजन भी स्टार्ट होगा ठीक है की पॉइंट्स भी बताए जाएंगे अभी पहले टॉपिक के नाम आपको समझ में आ गए सारे ये आपका इलेवंथ का कंप्लीट हो गया अब बात आती है टेस्ट पेपर होंगे क्या हाँ टेस्ट पेपर भी होंगे टेस्ट पेपर भी होंगे बिल्कुल बाकायदा होंगे टेस्ट पेपर ठीक है हाँ टेस्ट पेपर भी होंगे क्लियर

हाँ बिल्कुल बिल्कुल आयुष यू आर सो इंटेलिजेंट ठीक है ना बुक के बारे में भी बताएंगे अभी हाँ ठीक है ना अब दूसरा चैप्टर जो आएगा वो आएगा आपका कोऑर्डिनेशन ये पूरी एनसीईआरटी को कवर करते हुए बेसिक टू एडवांस होगा ठीक है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बेसिक्स वो एडवांस पूरा का पूरा जेई एडवांस अप टू और एक खास बात और बता दूं अगर आपने केमिस्ट्री के अंदर पूरा का पूरा कवर किया है तो आप ओलंपियाड भी अच्छी रैंक ला सकते हैं ओलंपियाड में भी दे सकते हैं ओलंपियाड में फर्स्ट लेवल पे क्वालिफाइड हो सकते हैं इस साल भी हमारे अंदर जो हमने पढ़ाया था उसके अंदर काफी सारे बच्चे ओलम्पियाड में क्वालिफाइड हुए थे अभी तक मैंने अपने करियर के अंदर जितने करें मैं बता दूँ गोल्ड मेडलिस्ट जितिज गर्ग जिसकी ए आई आई थी ठीक है उसके अलावा आपका जो है वो शार्विक मित्तल आयुष कदम दोनों के सिल्वर मेडल आए थे ठीक है उसके अलावा तीसरा एक और था आपका ठीक है ये अपना क्या नाम है इसका ब्रॉन्ज मेडलिस्ट था ट्वेंटी सेवंथ कुशल बाबेल तो ऐसे सारे के सारे जितने भी बच्चे थे उन सब गोल्ड मेडलिस्ट सिल्वर मेडलिस्ट ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं और सबसे मजेदार बात क्या थी बताओ मजेदार बात ये थी कि ये पूरा का पूरा पढ़ करके लिए थे और ट्वेल्थ में पास हुए थे तो आप अगर पूरी तरह से अच्छे से डेडिकेटेडली हमें कर लेंगे फॉलो तो आप ओलंपियाड भी क्वालिफाइड कर सकते हैं इसी कंटेंट से कंटेंट सफिशिएंट होगा जिसमें आप आई टी पूरी कवर कर सकते हैं मेंस में टॉप हंड्रेड परसेंटाइज ला सकते हैं इवन दो आप एडवांस में भी टॉप हंड्रेड ला सकते हैं ठीक है टॉप टेन ला सकते हैं टॉप फिफ्टी ला सकते हैं जो रैंक आपके अंदर है आपके मन में वो सब ला सकते हैं उसके लिए क्वालिटी कंटेंट है सारा का सारा मेटलर्जी एलर्जी होगा सोल्ट एनालिसिस होगा पांचवा एस ब्लॉक होगा छठा पी ब्लॉक होगा सातवां डी ब्लॉक होगा ठीक है आठवां एफ ब्लॉक होगा ठीक है ये सारे के सारे होंगे उसके बाद नवा यहां लिख दू हाइड्रोजेंट्स कंपाउंड होगा दसवां हाइड्रोजन कंपाउंड के बाद आपका एनवायरमेंटल केमिस्ट्री होगा ठीक है ये आपके सारे के सारे टॉपिक होंगे जैसे पहला केमिकल बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन मेटलर्जी सॉल्ट एनालिसिस एस ब्लॉक पी ब्लॉक डी ब्लॉक एफ ब्लॉक ठीक है हाइड्रोजन कंपाउंड इनट पर इफेक्ट बेटा फजांस रूल में आता है रोहित हां यहां पर ही पूरा पढ़ाया जाएगा एस ब्लॉक पी ब्लॉक डी ब्लॉक सब सारा का सारा आपको कंप्लीट पढ़ाया जाएगा आप देख सकते हैं कितने चैप्टर्स आ चुके हैं पी ब्लॉक पूरा क्वालिटेटिव एनालिसिस जो होता है वो आपका सॉल्ट एनालिसिस होता है सर तो इलेवंथ नहीं आता समझ में टेंशन नहीं लेनी है मैं हूँ ना सब करवा दूंगा पी ब्लॉक पूरा होगा पी ब्लॉक में थर्टीन होगा फोर्टीन होगा फिफ्टींथ होगा सिक्सटीन होगा सेवनटीन्थ होगा एटीनथ होगा पूरा ग्रुप पढ़ाया जाएगा ये हाँ सारा पढ़ाया जाएगा केमिकल बॉन्डिंग पार्ट टू के लिए प्री रिक्विजिड क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन आना चाहिए आपको हाँ क्या आना चाहिए हाँ पूरा पी ब्लॉक लिखा हुआ है जी केमिकल बॉन्डिंग पार्ट वन जो होगा ना बेटा वो मैंने आपसे कहा है कि आपको इलेवंथ वाले से करना पड़ेगा हाँ इलेवंथ से करना पड़ेगा क्या बोला मैंने इलेवंथ क्लास से करना पड़ेगा क्लियर दोस्तों जब विजय सर का हो साथ तो डरने की क्या बात ओलंपियाड का रजिस्ट्रेशन अभी नहीं होता है जब होगा हम आपको अपडेट कर देंगे हाँ एन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इलेवंथ का है लेकिन आई में पढ़ाना पड़ेगा ना आपको आई हम ये जेई मेन्स के लिए करेंगे ना बेटा और एडवांस के लिए क्योंकि हमें आपको जेई मेन्स और एडवांस कंप्लीट कराना है तो इसलिए एनवायरमेंटल केमिस्ट्री भी पढ़ाना पड़ेगा दोबारा से वरना क्या होगा ना आप नहीं पढ़ पाएंगे हम्म इलेवंथ तो ट्वेल्थ मिक्स नहीं कर दी है ट्वेल्थ ट्वेल्थ में इतना कंप्लीट वापस से कराना पड़ेगा तो ये एक तरह से आपका रिवीजन हो गया ये भी रिवीजन हो गया थर्टीन फोर्टीन भी रिवीजन हो गया और एस ब्लॉक भी रिवीजन हो गया आप समझ रहे हो बात को तो आपके लिए तो फायदा हो गया ना भाई ओ भाई आपके लिए बेनिफिट हो गया कि आपको रिवीजन के साथ कंप्लीट करा दिया समझ रहे बात को आप तो आपके लिए कितना फायदा हो गया ऑर्गेनिक का नहीं है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एनवायरमेंटल केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक का है ऑर्गेनिक के लिए आता है केमिस्ट्री एवरीडे इन लाइफ अब आपको करना क्या है ओरिएंटेशन में सबसे पहले देखो पहला कॉपी कितनी बनाएंगे आप तो एक तो आपकी कॉपी होनी चाहिए थ्योरी कॉपी ठीक है थ्योरी कॉपी और एक आपका होना चाहिए ठीक है टेस्ट पेपर एनालिसिस कॉपी ठीक है एक आपका होना चाहिए हा होमवर्क कॉपी तो आपको कितनी कॉपी खरीदनी है जल्दी बताओ नीट के लिए भी आप कर सकते हैं कोई टेंशन नहीं है बिल्कुल नीट के लिए भी आप कर सकते हैं जी सरफेस केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री में आता है बेटा उद्भव सरफेस केमिस्ट्री उसमें आता है हाँ इलेवंथ की प्री रिक्विजिट के लिए ट्वेल्थ का जो आपको करना होगा उसकी प्री रिक्विजिट के लिए आपको हाइब्रिडाइजेशन करना होगा क्या करना होगा हाइब्रिडाइजेशन हाँ तो कॉपी कितनी बनाएंगे समझ में आ गया तीन कॉपी एक थ्योरी कॉपी जो हम यहाँ पढ़ेंगे उसको आपको नोट डाउन करना है अच्छे से उसको लिखते हुए चलना है उसको याद करना है उसको थ्योरी अच्छे से बनानी है एक आपकी टेस्ट पेपर एनालिसिस कॉपी जरूर होनी चाहिए ध्यान से सुनिएगा भाई हाँ क्यों क्योंकि जब हम टेस्ट पेपर देते हैं तो हमें ये पता नहीं होता कि हम उसमें क्या गलती कर रहे हैं ठीक है ना हम अगर गलती नहीं करें और गलती हो रही है उसका एनालिसिस ना करें ठीक है तो गलती ना हो तब तो बेस्ट है कोई दिक्कत ही नहीं है लेकिन गलती अगर हो रही है तो उसका एनालिसिस तो करें एनालिसिस अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा नुकसान होगा नहीं होगा तो एनालिसिस करना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त एनालिसिस करने के लिए ही हम क्या बनाएंगे ये ठीक है अच्छा बुक रेफरेंस बुक की बात करें तो बुक आपको सिंगेज पब्लिकेशन की लेनी है वैसे कोई जरूरत है नहीं आपको लेकिन फिर भी जो बुक बुक कह रहे हैं इसलिए मैं लिख रहा हूं प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ये बाई विशाल जोशी है विजय सर ठीक है इसके थ्रू है बाय विशाल जोशी जी हां दोस्तों अब आप बार बार पूछ रहे थे इसलिए मेरे को लिखना पड़ा तो आप चाहो तो ये ले भी सकते हो नहीं भी ले सकते आपकी इच्छे सिंगेज पब्लिकेशन की है ये जी इसकी है हाँ आपकी बहुत बुक हार्ड है नहीं वो हार्ड बुक नहीं है जब मेरे से पढ़ के करेगा तो एकदम लल्लू लगेगी मजा आ जाएगा यस हाई नहीं आता तो इलेवन से करना है हम आपको इलेवन देंगे ना ठीक है देखो पटेल ऐसा है कि अगर चलेगी तो कोई दिक्कत नहीं है सब चलेगी कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अब टेस्ट पेपर एनालिसिस कैसे करते हैं वो देखते हैं अपन टेस्ट पेपर एनालिसिस कैसे करते हैं वो देखना पड़ेगा हमें हाँ तो टेस्ट पेपर एनालिसिस कैसे करना है वो देखो अब सबसे पहले आपको ये देखना है आपको टॉप रैंक लानी है कि नहीं लानी पहले बताओ लिख के बताओ जल्दी जल्दी देखो आज की तारीख में हाँ बिल्कुल पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे सब कुछ मिलेगा डिटेल में हर चीज़ मिलेगी जी आल्सो नीट के लिए भी बेस्ट है हाँ आपको ये वाली किताब लेनी है बेस्ट है कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें सबसे अच्छी बात पता है कि हर टॉपिक पे जैसे मान लो बेंट रूल पढ़ाया रूल पढ़ाने पर उसी बैंड रूल का सवाल आपका मेंस का ओरिएंटेड भी होगा एडवांस ओरिएंटेड भी होगा उसी का सवाल आपका जो है वो सिंगल करेक्ट होगा मल्टीपल होगा उसी का मैजो कॉलम होगा उसी का इंटीजर होगा और उसी का आपके जो है वो कॉम्प्रिहेंशन होगा तो आप सोचो कि आपके लिए फायदा हो गया नहीं होगा कि आप जो है वो उसी कॉन्टेंट को कर रहे हैं जो ए आई आर वन चित्रांग मूर्दिया ने किया था दो हजार चौदह में और हर टॉपिक का हर वेराइटी का सवाल आपको मिल रहा है तो अगर हर टॉपिक का हर वेराइटी का सवाल मिल रहा है तो आप सोचो टॉप आ सकती है कि नहीं आ सकती है आपकी और उसके बाद हम क्या करेंगे जो मिस्टेक्स आप है क्या? मुझे लग नहीं रहा कि टॉप रैंक लाने लायक बन रहे हो आप झील आप से लिखो कि यस सर वी वांट टॉप रैंक सर आप उन्हीं छोटे डाउट्स में पड़े हुए सर डीपी मिलेगा क्या सीट मिलेगा क्या मटेरियल में अरे यूं उल्टा बोलो क्या आपसे पढ़ के आ जाएगी क्या मैं बोल रहा हूं हाँ और आपको गारंटी देता हूं आज गारंटी बिल्कुल इतने सारे टॉपर्स पढ़ाए हैं भाई जिस मतलब कई लोग तो क्या करते हैं अपने नीचे लिख देते हैं कि हमने पढ़ाया लेकिन यहाँ तो असलिय में पढ़ाया है सच में पढ़ाया बॉस और जो सच में बच्चों को पढ़ाया है मैं वही चीजें आपको गाइड करूंगा जो उनको करिए जिससे वो टॉप बने अब आपको पता है प्रॉब्लम क्या हो रही है प्रॉब्लम ये हो रही है कि आपको विश्वास नहीं हो रहा कि हमारी भी आ सकती है क्या और ये बिल्कुल सही बात है वो जब बच्चे आए थे तो उनको भी विश्वास नहीं था कि आ सकती है क्या पर आप में और उनमें अंतर क्या है आप में और उनमें अंतर ये हो जाएगा दोस्त कि वो सेलेक्ट हुए अच्छी रैंक लाई क्योंकि उन्होंने भरोसा किया विश्वास किया फॉलो किया देखो विश्वास भी करनी बात है और उसके बाद उसे ब्लाइंडली फॉलो भी करना है आपको मान लीजिए मैंने एक डीपीपी दी मान लीजिए मैंने आपको एक शीट दी मान लीजिए मैंने आपको होमवर्क दिया अब वो होमवर्क आप कर ही नहीं रहे आप उसको छोड़ करके आप उसको छोड़ करके कुछ और कर रहे हो आप जो है वो बैठ करके आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो भाई फिर कैसे होगा अब मैंने बताया टेस्ट पेपर एनालिसिस तो हर एक टेस्ट पेपर के बाद एक एनालिसिस होना चाहिए सबसे पहले आपको एक टेबल बनानी है ऐसे ठीक है ये आपका फिजिक्स ऐसे आपको बुक में कॉपी बना, में बनाना पड़ेगा ये आपको मैथ ये आपको केमिस्ट्री तो आपका फिजिक्स हो गया मैथ्स हो गया ठीक है और केमिस्ट्री हो गया तो आपको सबसे पहले लिखना है कि रॉन्ग क्वेश्चंस कौन कौन से हैं ये रॉन्ग क्वेश्चन लिख दिया आपने हाँ या ना केमिकल बॉन्डिंग पार्ट वन करा देंगे ना सौरभ आप सुन ही नहीं रहे और आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर के जितने मिथ हैं वो सब मैं तोड़ दूंगा लोग कहते रटना पड़ता है मैं गारंटी देता हूं हमारे यहाँ सिर्फ क्या चलता है पता है एक्सप्लेनेशन हाँ एक्सेप्शन नहीं एक्सप्लेनेशन कहिए हमारे यहाँ क्या चलेगा हाँ एक्सेप्शन नहीं बोलो उद्भव तिवारी अ तिवारी कैसन भा? सब ठीक घर पे तिवारी भैया आ, तो हम यहां पर टॉप रैंक की ही बात करेंगे बस हम यहां पर हमेशा टॉप रैंक लाने की बात करेंगे और यहां पर वही बात आ गई हमारा टैग लाइन क्या है बस अब होगी ऑनलाइन में रैंक की तैयारी रैंक की तैयारी के लिए ये टेस्ट पेपर एनालिसिस बहुत जरूरी है बुक से भी होमवर्क मिलेगा दोस्तों हाँ 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 बिल्कुल आप तो आप बस फॉलो करो कसम का कर, आपने मेरे से क्या चाहिए वो तो लिख दिया आपने वो नहीं लिखा कि आप क्या करके देंगे आप यहां लिख के दो कि यस सर आई प्रोमिस आई विल डू यार बिल्कुल मैं करके दूंगा सर हम कसम खाते हैं आज बिल्कुल सर पक्का करके देंगे सर लिख के दो एक बार की यस सर आप जो बोलोगे ब्लाइंडली फॉलो करेंगे सर और प्रॉमिस करते हैं कि टॉप रैंक ला के देंगे सर प्रॉमिस करते हैं लिखो तो, तो सही है, है? है? लिख दो आज की यस सर हम करके देंगे सर आपको आपके लिए तो प्रॉमिस करते हैं आज हम रैंक लाएंगे चाहे किसी के लिए लाइन लाए पर आपके लिए ला के देंगे सर कसम खाते हैं सर जो भी होगा निपटेंगे सर आपका साथ है तो बस रैंक हाथ है देंगे लिखो तो सही प्रॉमिस तो करो अपना रैंक लिखो एक कागज में आज जाकर के सबसे पहले कागज में एक रैंक लिखने के बाद वहां पर टिका दो ऐसे सर ये रैंक मुझे लानी है और उस अपने आप से रोज उसको देख करके पूछो ये रैंक लानी है क्या आप ला पाओगे तो आपको लिखना नीचे कि यस सर विजय सर ने कहा लाएंगे लाके दिखाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए टॉप रैंक तो लाएंगे जी लिखो अब फटाफट लिखो फटाफट लिखो जल्दी जल्दी जितने भी बच्चे कमेंट करेंगे उसका मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपसे आज हम्म प्रॉमिस 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 और ये छोटी छोटी चीजें पूछना भूल दो देखो चार डाउट अभी ऑनलाइन में भयंकर वाले चल रहे हैं बोस अब जब भी आप कभी उसको देखो दे 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 ना मुंह तोड़ जवाब दे देना उनको आज पहला क्या ये पढ़ाएंगे साल भर तो नीचे लिख देना बस जो भी पूछे वो कहना पागल हो गया किससे पूछ रहा हैं क्या पूछ रहा हैं दिमाग नहीं इतना हट दूसरा डाउट क्या ये मटेरियल मिलेगा जो ऑफलाइन में मिलता है तो लिख देना यस मिलेगा सर ने कहा पक्का मिलेगा एकदम वही मिलेगा जैसा हो ऑफलाइन में कोटा में मिलता है वैसा का वैसा तेरे घर पे आएगा तीसरा क्या डाउट क्लियरिंग होगी लिख देना यस सर क्लियर होगी सर ने क्लास में बताया बिल्कुल बोल देना सब सब चैनलों पर फैला देना जितने भी जगह फैला सकते हो आज निपटा देना सबको पांचवा क्या ये कंटेंट वही डिलीवर होंगे जैसा कि जैसा हमेशा ऑफलाइन में मिलता है तो बोल देना यस सर ने कहा बिल्कुल पांचवा टेस्ट पेपर होंगे बोला हाँ होंगे सर ने कहा था बिल्कुल टेस्ट पेपर होंगे छठा क्या रैंक की तैयारी होगी तो बोल देना यस सर ने कहा रैंक की तैयारी होगी और रैंक के लिए होगी ठीक है समझ रहे हो तो अब ये सारे डाउट मैंने आपको लिख के दे दिए बता दिए अब आपका काम उसके आगे जो बच्चा ऐसे लिखे ना उसको यह जवाब पूछना कि अब ये एक बात बता, इस सर ने तो बोल दिया ये सब करेंगे अब तू बता कि तू करेगा क्या तू पढ़ेगा क्या तू फोड़ेगा क्या तू होमवर्क करेगा क्या तुझे रैंक लानी है क्या तू पढ़ सकता है क्या तुझे अच्छी रैंक लानी है क्या तू भी करेगा क्या यह सारी करेंगे सब ये उससे पूछना सब कुछ सरी कर देंगे तो तुम क्या करोगे तुम खुद भी तो अपना कमिटमेंट लिखो सब कुछ हम ही कर देंगे क्या अपना कमिटमेंट भी लाओ अंदर बाहर अपने अंदर से निकालो उस कमिटमेंट को लिखो मैं अपने पेरेंट्स के लिए करना चाहता हूं लिखो मैं अपने लिए करना चाहता हूं लिखो मैं अपने सर के लिए करना चाहता हूं न? ये लिखना पड़ेगा ना हमें लिखना पड़ेगा नहीं पड़ेगा आज लिखना है चाहे कुछ भी हो जाए कसम खा के अब कोई डाउट नहीं कोई डिस्कशन नहीं सिर्फ और सिर्फ काम होगा और अब होगी यहां से असली रैंक की तैयारी ऑनलाइन में रैंक की तैयारी बस कोई डाउट नहीं सिर्फ पढ़ाई 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 और सब फोड़ के रख देंगे बस ले लिख, जल्दी लिखो आई विल डू इट फटाफट फटाफट बस आज के बाद ये सब डाउट खत्म सिर्फ पढ़ाई जवाब आ जाना चाहिए आज सब हर जगह हर जगह जहां तक फैला सकते हो हर बच्चे का एक एक डाउट अब आप क्लियर करोगे हम नहीं हमें सिर्फ पढ़ाई करनी है हम सिर्फ पढ़ाने में दिमाग लगाएंगे हम अपने क्वालिटी ऑफ कंटेंट को डिलीवर करने में लगाएंगे हम आप तक क्वालिटी पहुंचाने में दिमाग लगाएंगे हम अब ये सारे जवाब देने में दिमाग नहीं लगाएंगे कि मैं शीट दूंगा क्या ऑब्वियस ये ये कोई डाउट है हम डाउट खेलेंगे आईआईटी के हम डाउट करेंगे टॉप क्वेश्चंस में हम डाउट करेंगे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में हम डाउट करेंगे आपके लेवल को बढ़ाने में वहां तक अब जाकर के हम हमारा हमारा लेवल बढ़ाना पड़ेगा हमको आप सोचते हो कि आप जो है वो टीचर आपको मोटिवेट करे क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप भी टीचर को मोटिवेट करो आप नहीं लिख सकते कि यस सर मैं पढ़ूंगा सर आपके लिए आप पढ़ाओ सर मैं हूं सर ब्लाइंडली फॉलो करूंगा सर मेरा रैक ला दूंगा कसम खाता हूं अरे मैं आपको ऐसे ऐसे स्टोरीज बताऊंगा कि आपके बम आ जाएंगे लक्ष्य शर्मा आई आई आर टेन जो था ना वो दो करोड़ की स्कॉलरशिप मिली थी ठीक है और पूरे वर्ल्ड की सबसे टॉप बाइस यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिला था पेंसिल्विया में सोच के देखो अब आप और उसके बाद जो है वो पढ़ता रहा दस दस घंटे मैं गया उसके पास मैंने पूछा भाई तू अभी तक पढ़ रहा है तुझे तो मिल गया पेंसिलविया में एडमिशन और स्कॉलरशिप से मिला फ्री में अब क्या दिक्कत है घर जाओ और पढ़ाई करो तो बोला नहीं सर मैं पढ़ूंगा मैंने कहा पढ़ने की जरूरत क्या है ये तो बता तो बोला सर जो रैंक है ना मैं उसके लिए पढ़ूंगा और सर वो रैंक में आपको गुरु दक्षिणा देके जाऊंगा और वो मेहनत की पढ़ा और वो टेंथ रैंक लेकर आया ए आई आर टेन जे एडवांस ये होता है कमिटमेंट लेवल बात को आप कमिटमेंट लेवल आपके लिए बहुत हाई होना चाहिए खुद से और ये कमिटमेंट आप कर सकते हो पेरेंट्स के लिए नीट के लिए भी ऑर्गेनिक पढ़ सकते हो इनऑर्गेनिक पढ़ सकते हो मुझसे हाँ बहुत देर से लिख रहा है बेटा बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा बिल्कुल बिमानी बिरमानी सॉरी पक्का अब हम शुरू कर सकते हैं चाहे तो अपन थोड़ा 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 ठीक है स्टार्ट करूं हाँ सबसे पहला सवाल मेरा आता है कि वॉट इज केमिकल बॉन्डिंग कोई बता सकता है आप में से हम्म वॉट इज केमिकल बॉन्ड जल्दी बताओ क्या होता है केमिकल बॉन्डिंग वॉट इज केमिकल बॉन्डिंग बिल्कुल बन सकते हैं बिल्कुल क्यों नहीं बन सकते हंड्रेड परसेंट बन सकते हैं जी 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 बिल्कुल 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 जी राजेश जी थैंक यू थैंक यू राजेश थैंक यू वेरी मच आदित्य ने बोला है नो आईडिया सॉरी आर कौन नहीं नहीं, देखो फटाफट सबसे इंपॉर्टेंट होता इज केमिकल बॉन्ड टेस्ट पेपर एनालिसिस बता दो पहले अच्छा टेस्ट पेपर एनालिसिस की बात कर लेते हैं चलो देखो ये रहा टेस्ट पेपर एनालिसिस क्वेश्चन लिखा आपने सबसे पहले ये ना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा आपकी आईटी की रैंक के लिए अगर आपने ये करना सीख लिया ये चित्रांक के टाइम पे बनाया था सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरे को हम्म एक मिनट ये भी देख लें ये भी इम्पोर्टेंट था रह गया हम्म हाँ बिल्कुल सही लिख रहे हैं कई सारे बच्चे गजब 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 बेटा ये कर सकते हो आप इससे भी अभिषेक नीट भी केमिस्ट्री इससे हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं आएगी हाँ बिल्कुल 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 हाँ बिल्कुल यस सर प्रशांक अग्रवाल भी था यस की स्टोरी भी बताएंगे ए आई आर ट्वेंटी एक करोड़ पैकेज यस स्पंदन यस बिल्कुल अरे हाँ भाई अनिकेत जानता हूँ मैंने ही पढ़ाया है ए आई आर ट्वेंटी था स्टोरी बताएंगे एक दिन जल्दी नीतीश कुमार जरूरी कुछ भी नहीं है आपको जो मटेरियल मिलेगा वो सफिशियंट होगा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए होती है सब चीज़ें अगर आप वो कर लेते हैं नीतीश और उसके बाद आपके पास समय है तो आप कर सकते हो यस yes, डेफिनेटली अंकित फाइव वन थ्री इज बहुत नॉमिनल रैंक है इजी गोइंग मिल जाएगी हाँ मेरे लेक्चर्स बेस्ट हैं फॉर आई बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल बेंगलोर के लिए बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं ऐसे तो हमारे नीतीश मैंने जवाब दे दिया बार बार मत लिखो बेटा यस yes. आप देखो टेस्ट पेपर एनालिसिस में रॉन्ग क्वेश्चंस को लिखने के बाद जैसे मान लीजिए आपने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तक आप पहुंचे तो आपको क्या करना चाहिए आपने जैसे सवाल किया ये सही ये सही है ये गलत हो गया तो आप उसको लिखो गलत क्यों हुआ ये सिली मिस्टेक से हुआ या आपके इम प्रॉपर रीटिंग से हुआ ठीक है ये आप देखो इस किस से हुआ सिली मिस्टेक से हुआ इमप्रॉपर रीडिंग से हुआ या आपने जो है वो कॉन्सेप्ट गलत लगा दिया आप रिवाइज नहीं करके गए या भूल गए इस तरह से आपको सब कुछ लिखना है जब आप ऐसे लिखोगे ना तो आपको फायदा बताता हूं क्या होगा जब आप ऐसे लिखोगे क्या बोला बताओ जब आप ऐसे लिखोगे जी हर्षवर्धन को भी जानता हूं बेटा ए आई आर वन सिक्सटी मैंने ही पढ़ाया था उसको भी यस बिल्कुल प्योर रैंक थी ऑनलाइन की हम्म यस yes, इनफ है इनफ है बिल्कुल इनफ यस टू हंड्रेड है यस yes, सब्स आपको मैंने बोला ना जितना पढ़ाया जा रहा है सारे कोर्स के लिए इनफ है आप उसकी परेशानी मत लेना बिल्कुल सारी चीज़ों के लिए इनफ है मृदुल hmm. अग्रवाल को भी जानते हो हाँ इनफ फॉर यूपी बोर्ड बिल्कुल 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 आप टेंशन मत लीजिए अब इधर देखो फटाफट अब आप इस सिली मिस्टेक्स को ऐसे आपने लिख दिया लिखने के बाद मान लीजिए आपने हर एक क्वेश्चन का एनालिसिस कर लिया आप आज से ये प्रैक्टिस को अगर आपने स्टार्ट कर दिया मैं गारंटी लेता हूं आपकी रैंक आ जाएगी टॉप में इस प्रैक्टिस को आप और कितने बच्चे हो ना प्लीज वो लिखना कि सर ये हम नहीं करते थे ये हम करते थे ठीक है है ना जरूर लिख के बताना आपको मैंने क्या बोला मैंने कहा यार ये 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 गलत हो गया गलत होते आपने इसको लिखा कि क्यों हुआ बोलो क्या लिखेंगे आप ये क्यों हुआ समझिए बात को तो आपने क्या क्या किया जल्दी बताओ पहला आपने कहा ये सिली मिस्टेक से गलत हुआ कैलकुलेशन मिस्टेक से गलत हुआ ये आपको कैलकुलेशन मिस्टेक से गलत हुआ ये आपको इमप्रॉपर रीडिंग से गलत हुआ ये आपको जो है वो कॉन्सेप्ट नहीं आता था इसलिए गलत अब कॉन्सेप्ट नहीं आता था इसमें तो आपकी गलती नहीं है लेकिन यहां आपकी गलती थी कि आपने पढ़ा नहीं रिवाइज नहीं किया तो आप रिवाइज करके जा सकते हो रिवाइज करके जा सकते हो तो आपको सवाल हो जाता ध्यान से सुनना भाई हाँ ध्यान सुनना तो रिवाइज करके जाते तो सही हो जाता कैलकुलेशन मिस्टेक भी आप सही कर सकते थे आपके हाथ में है इसलिए मिस्टेक्स आप जो कर रहे थे उसमें इमप्रॉपर रीडिंग थी तो रीडिंग भी सही कर सकते हैं आप आया ना तो अगर ये सारे के सारे सही मान लें तो आपको दो परसेंटेज हमेशा निकालनी है आपको पहली परसेंटेज तो थी जो एक्चुअल परसेंटेज आई है मान लीजिए आपकी सेवेंटी परसेंट आई और एक परसेंटेज वो है जो आ सकती थी तो आप ये मान लो कि जो गलत हुए थे आपके अगर वो इमप्रॉपर रीडिंग से गलत हुए तो सही मान लो अगर आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक् से हुए तो वो सही मान लो ठीक है अगर आप कॉन्सेप्ट रिवाइज नहीं करके गए तो भी सही मान लो तो ये सब सही मानते हुए आपकी एक नई परसेंटेज आएगी कि वो आ सकती थी मान लो एट्टी परसेंट आई तो यहाँ डिफरेंस कितने परसेंट का आया दस मुझे बताओ ये दस परसेंट जो है इस दस परसेंट के लिए आपको क्या एक्स्ट्रा बुक करने की जरूरत है क्या एक्स्ट्रा मटेरियल करने की जरूरत है क्या एक्स्ट्रा होमवर्क करने की जरूरत है क्या एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत है नहीं सिर्फ आपको अपना फोकस बढ़ाने की जरूरत है ये वाले पार्ट पर कोई भी बच्चा या कोई भी टीचर वर्क नहीं करता आप देखेंगे कि आपको बिल्कुल नॉर्मली एक कॉमन स्टूडेंट की तरह ट्रीट किया जाता है जब आप कहेंगे सर मेरे इस सब्जेक्ट में नंबर नहीं आ रहे तो क्या बोला जाएगा प्रैक्टिस करो बेटा और प्रैक्टिस कर लो आपको पेरेंट्स से बात करोगे तो पेरेंट आपको उसकी एक नई किताब ला दे देंगे कि यह कर लो आया ना लेकिन आप बोलो कि ये सब करने 10% एक्स बढ़ाने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना सिर्फ फोकस बढ़ाना है क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है आया ना क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं करनी है है ना कैलकुलेशन मिस्टेक्स के अलावा आपको ध्यान से देखो इधर कैलकुलेशन मिस्टेक्स के अलावा आपको प्रॉपर रीडिंग करनी है रिवाइज करके जाना है अगर ये सब हो गया तो आपका वैसे ही नंबर बढ़ जाएगा आया ना अरे बोल तो दो बिल्कुल सही है कि नहीं है अब दिमाग लगाते हैं आप कि ये दस परसेंट बढ़ाना है इस दस परसेंट के लिए आपको सिर्फ अपना फोकस लाना है ठीक है तो ये फोकस आपको बढ़ाना है बस क्या बोला जल्दी बताओ मैंने आपको सिर्फ क्या करना है फोकस फोकस बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है उसके लिए मैं आपको सारी ट्रिक्स टिक, बताऊंगा टेक्निक्स बताऊंगा पढ़ते हुए बताऊंगा सारी चीजें हम करेंगे ठीक है ना अभी आपको सिर्फ एक चीज पर ध्यान देना वो ये कि आपको पढ़ाई करनी है बोर्ड्स के लिए भी आपको हम टाइम टू तो टाइम गाइड करते रहेंगे जी बोर्ड के लिए भी करेंगे सफलता बैच और स्टार बैच में क्या अंतर है तो आप पढ़कर देखो वैसे कोई अंतर नहीं है हाँ ठीक है जी आगे बढ़े अब अब मैं आपस वहाँ पर अपने उस टॉपिक पे आता हूँ आई होप मैंने टेस्ट पेपर एनालिसिस बता दिया उसकी कॉपी आप बना लेंगे 10 परसेंट आपके हाथ में है वो कर लेंगे फिर मैं धीरे धीरे टेक्निक्स बताता रहूंगा क्योंकि ओरिएंटेशन क्लासेस अब हो चुकी है क्लियर अब हम पढ़ते हैं मैंने आपसे सवाल पूछा था वॉट इज केमिकल बॉन्डिंग बोलो हाँ जल्दी बताओ Thank you, Beta. Thank you very much. Jaldi. Attraction between two or more than two atoms. Very good. अट्रैक्शन बिटवीन टू और मोर देन टू आइटम्स वर्ल्ड केमिकल बॉन्ड अब दूसरा सवाल आता है कि वाई केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बताओ क्यों बनता है आखिर केमिकल बॉन्ड क्या जरूरत है हम्म चलिए बोलो क्या जरूरत है भाई केमिकल बॉन्डिंग की न? क्या जरूरत है जल्दी टू अटेंड स्टेबिलिटी वेरी गुड एक बच्चे ने सही लिखा वेरी गुड ताली बजा बच्चे के लिए हम्म अब अगला सवाल आता है कि स्टेबिलिटी कैसे आती है नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हाउ टू अटेंड स्टेबिलिटी या हाउ टू गेन स्टेबिलिटी बोलो यस टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ्रिगेशन वेरी गुड ठीक है हा नोबल गैस कॉन्फ्रिगेशन अचीव करने के लिए अब नोबल गैस कॉन्फ्रिगेशन होता क्या है वो देखो आप जैसे मैं कहूं हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टॉन और रेडोन अगर मैं इनकी बात करूं तो वन एस टू आएगा लेकिन बाकियों का NS2 जाएगा. तो इन सबके पास आठ इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है जल्दी बताओ आठ इलेक्ट्रॉन है या नहीं है जल्दी बताओ तो इसको कहते हैं ऑक्टेट इनके पास आठ इलेक्ट्रॉन थे इस वजह से ये किसी से रिएक्ट नहीं कर रही थी तो सारे एटम्स ने सोचा अगर हम भी अपने पास आठ इलेक्ट्रॉन कर लें हमें भी किसी के साथ रिएक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एटम्स ने मीटिंग बुलाई कि सबको एक साथ ठीक है सबने आपके जो है मीटिंग बुलाई और मीटिंग बुला करके सबसे सोचा कि हम भी अपने पास आठ इलेक्ट्रॉन कर लेंगे सोडियम खड़ा हुआ सबसे पहले बोला मैं आठ कर सकता हूं अगर मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दूं सीएल ने कहा भैया हम भी आठ कर सकते हैं अगर हम अठो इलेक्ट्रॉन ले लें तो तो हमने कहा कि तुम एक काम करो इसको दे दो इसने क्या किया ले लिया माइनस हो गया तो आठ हो गए इसने दे दिया तो यहां प्लस आ जाएगा इसके पास भी आठ हो गए और इस तरह से ये बॉन्ड बन गया ठीक है ये कहलाया आयनिक बॉन्ड क्या कहला गया ये आइनिक बॉन्ड अब बात क्या आती है कि भाई सीएल खड़ा हुआ और एक एफ खड़ा हुआ अब एफ ने बोला कि भैया हम तो जो है ना इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं और ना दे सकते हैं क्या बोल दिया एफ ने कि ना तो हम इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं और ना दे सकते हैं अब क्या करें क्योंकि हमारे पास तो जो है वो सात इलेक्ट्रॉन ही है टोटल हम्म ना तो हम दे पा रहे हैं ना ले पा रहे हैं अब क्या करें तो हमने कहा तुम शेयरिंग कर लो अब देखो आप अगर ये शेयरिंग कर लेंगे तो आप देखो यहां पर ये यह क्या हुआ इसके पास भी आठ हो गए इसके पास भी आठ हो गए देखो दोनों तो के पास आठ हो गए ये कोवेलेंट बॉन्ड बन गया कौन सा बॉन्ड बन गया तो इसका मतलब क्या क्या निकला फटाफट फटाफट बताएंगे अब ध्यान सुनना पहला कि जो आपका केमिकल बॉन्ड बनता है वो इसलिए बनता है ताकि स्टेबिलिटी गेन हो जाए स्टेबिलिटी गेन कैसे होती थी ऑक्टेट कंप्लीट करके ऑक्टेट कैसे कंप्लीट हो रहा है या तो ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से हो रहा है या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से हो रहा है या ना ठीक है इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि केमिकल बॉन्ड अट्रैक्शन बिटवीन टू और मोर देन टू एटम्स इन या ना जल्दी बोलते जा, आ भाई ओ एन और एफ भी बना सकते ना बॉन्ड अब दोनों एफ एफ थे बस महेंद्र महेंद्र दोनों ही एफ एफ थे इसलिए हमने पूछा क्लियर अब मेरी दाम देखो अब ये सवाल समझ में आया कि भैया केमिकल बॉन्ड क्या होता है ठीक है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए बनता है तीसरा स्टेबिलिटी मतलब ऑक्टेट सारे सारे, ले नहीं सकते ना एक दूसरे से सोडियम के साथ आते तो ले सकते आप कंफ्यूज हो गए ये दोनों अगर आपस में हो तो नहीं ले सकते और ना दे सकते फिर ये क्या करेंगे ये तो फंस गए ना इसके साथ होते तो ले लेते पर ये तो आपस में है अब आपस में क्या करें अकेले पड़े हुए हैं अब क्या करें छोड़ दें स्टेबिलिटी नहीं समझे क्वेश्चन की फील आ रही है जागृति जी क्या फील आ रही है कि एफ और एफ दो एटम एक साथ हैं तो ये इससे थोड़ी ले पाएगा और ना दे पाएगा और ना ट्रांसफर थोड़ी करेंगे ये तो सोडियम के साथ एफ कर सकता है लेना और देना समझ नहीं रहे बात को क्लियर हाँ रिफ्रेश रिफ्रेश दिमाग रिफ्रेश हुआ हाँ अब मेरी सवाल को समझना अब मेरा सवाल अब यहां से समझ में आएगा कि अब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो बॉन्ड बना रहे थे तो फिर अगर ऐसा है कि ऑक्टेट कंप्लीट करने से स्टेबिलिटी आती है और बॉन्ड बनता है ऑक्टेट कंप्लीट करने से तो फिर तो ये पागल है ये बड़ा पागल है ये महापागल है ये पागलों का पागल है और ये सबसे बड़ा पागल है पूछो क्यों यहां पर तो सबका ऑक्टेट कंप्लीट था फिर इन्होंने बॉन्ड क्यों बनाए ये तो सारे बॉन्ड ऑलरेडी कंप्लीट है ये क्यों बॉन्ड बना रही है फिर इनका ऑक्टेट तो ऑलरेडी कंप्लीट है नहीं आया समझ में भाई फिर तो ये बॉन्ड क्यों बना रहे हैं दिमाग की बत्ती जलाओ सेंटर तो फेस चिंगम चबाओ और जबान पे लगाम लगाओ समझ रहे हो अगर मैं ये मानू कि यार ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हो रहा है तो फिर ये क्यों बाउंड बना रहे हैं ये तो पहले से स्टेबल थे इसका मतलब आपके अंदर से जम दिमाग होना चाहिए क्लियरिटी से कि इसका मतलब ऑक्टेट कंप्लीट करना इज नॉट अ क्राइटेरिया ऑफ स्टेबिलिटी पॉइंट को समझ रहे हो ऑक्टेट कंप्लीट करना स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया नहीं है हम्म तो फिर क्या है तो थर्मोडायनिक्स ने स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया बताया उसने क्या बताया ध्यान से सुनना क्या बताया कि अगर मान लीजिए कोई भी सिस्टम एनर्जी को रिलीज करता है तो वो स्टेबल होता है क्या बोला जल्दी बताओ मान लीजिए अगर कोई एनर्जी को रिलीज करता है तो वो स्टेबल होगा और अगर कोई एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लग गया तो वो अनस्टेबल होगा हम गए थर्मोडायनिक्स के पास हमने पूछा कि बताओ फिर स्टेबिलिटी कैसे आएगी भाई तो थर्मोडायमिक्स ने बताया ध्यान से सुनना आप कैसे पहले एक एक्साम्पल से समझते हैं अपन ठीक है एग्जाम्पल से क्या समझ रहे हैं कि यहां पर मान लीजिए जो है वो आपके पास एक बच्चा है मैं उसके पास गया और मैंने उसको कहा यार ले ये काजू बादाम का हलवा खा ले रोटी सब्जी पूड़ी दाल आलू खीर सब खिला दिया उसको मस्त ठीक है उसने सब खा लिया क्लियर तो हमने क्या करा उसको सब खिला पिला के बिठा दिया आराम से मस्ती से वो खा पी रहा है अब मैंने उससे कहा कि यहीं बैठे रहना लाइव है भाई आयुष लाइव है मैंने उससे कहा कि यहीं पर बैठे रहना जाना मत कहीं पे क्या बोला मैंने उससे यहीं बैठे रहे ना जाना मत कहीं पर भी भाई ठीक है तब सोचो उसने खाना खा लिया अगर उसने खाना खा लिया तो उस कंडीशन में क्या हुआ खाना खाने से एनर्जी बनी तो एनर्जी आ गई उसके अंदर उसके अंदर एनर्जी आ गई तो उसने तो क्या बोला हुआ? कि सर एक काम करता हूँ मैं थोड़ी देर घूम के आता हूं सर तो आधे घंटे बाद आएंगे बेटा सब बता दूंगा हर्षिल नेक्स्ट क्लास में है ना अभी अपन थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं टॉपिक पे अगर हम ऐसे रेंडमली चलते रहेंगे आई नो योर योर डाउट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट ठीक है बट प्रॉब्लम समझ रहे हो प्रॉब्लम थोड़ा सा अगर हम टॉपिक पर आ गए तो अभी टॉपिक पर कंटिन्यू करें है ना आपका डाउट अगली क्लास में ले लेंगे ठीक है तो भाई अब सोचो उसने खाना खा लिया तो उसके अंदर एनर्जी बन गई अब उसके अंदर तो एनर्जी बन चुकी है तो वो घूम फिर के आएगा बोला थोड़ी देर घूम के आ जाता हूं तो क्या हुआ मैं उसको गया वहां पर जहां बैठा था तो वो वहां पर नहीं मिला मुझे कहीं और चला गया मैं वहां गया पता लगा वो थोड़ी देर बाद और कहीं चला गया फिर मैं कहीं चला गया वो कहीं और चला गया और वापस आके बैठ गया इसका मतलब समझो आप उसने खाना खाया तो अंदर गई एनर्जी एनर्जी, एनर्जी से उसकी स्टेबिलिटी कम हो गई वो मुझे एक जगह नहीं मिल रहा वो इधर उधर चला गया तो इसका मतलब एनर्जी अगर एब्जॉर्ब करने लग गया सिस्टम तो उस कंडीशन में क्या होगा कम तो स्टेबल हो जाएगा समझ रहे मेरी बात को सिस्टम क्या होता है पता आपको लिख लेना जिसको नहीं पता ये अगर मैं किसी की स्टडी कर रहा हूं तो वो मेरे लिए सिस्टम है अगर मैं इस पैन की स्टडी कर रहा हूं तो ये पैन मेरे लिए क्या हो गया बोलो सिस्टम और बाकी सब क्या हो गया रेस्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स इज कॉल्ड सराउंडिंग समझ रहे हो आई। सिस्टम होगा जिसकी स्टडी करेंगे रेस्ट पार्ट ऑफ द सराउंडिंग यूनिवर्स होगा सराउंडिंग होगा अब दूसरा केस मैंने आपको बिठा दिया यहाँ पर मैंने कहा बैठ जा चुपचाप और बैठ रहे बेटा मैं वही पढ़ा रहा हूं अभी बेसिक ही पढ़ा रहा हूँ शिपरा आप पहले फोकस तो करो जो पढ़ा रहे हैं है ना जो हम पढ़ा रहे हैं उसको सुनते जाओ अभी जो आपको नहीं आता उसको भी छोड़ दो मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे सारे अब एक बच्चे को मैंने कहा बैठा रहे ना भाई और उसको बेचारे को पंद्रह दिन से खाना नहीं दिया मैंने बैठा रहे मैंने कहा कहीं जाएगा नहीं ओ, जाया तो टांगा तोड़ दूंगा छोले तुम्हारा वो कहीं नहीं गया नहीं गया उसको बिठा रखा है मैंने खाना पीना भी नहीं दिया तो वापस जब मैं आधे घंटे बाद आया तो मुझे वही मिला वही मिला इसका मतलब क्या निकला उसकी स्टेबिलिटी है यानी उसको अगर खाना नहीं दिया तो क्या हुआ उसके अंदर एनर्जी नहीं गई एनर्जी नहीं गई तो अपनी जो एनर्जी अंदर की थी वही यूज कर रहा था तो इंटरनल एनर्जी यूज हो रही थी बाहर निकल रही थी जिससे वो जिंदा था वो थोड़ी देर बैठा रहा स्टेबल रहा तो कॉन्सेप्ट क्लियर क्या हुआ क्या कॉन्सेप्ट हुआ बोलो कॉन्सेप्ट ये हुआ कि भाई अगर सिस्टम एनर्जी अब्सॉर्व करेगा तो अनस्टेबल है और सिस्टम एनर्जी रिलीज करेगा तो स्टेबल है इसका मतलब क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया कि बॉन्ड क्यों बनता है या बॉन्ड इसलिए बनता है क्योंकि स्टेबिलिटी आ जाए स्टेबिलिटी कैसे आती है तो स्टेबिलिटी एनर्जी रिलीज होने पर आती है जल्दी बोलो स्टेबिलिटी कैसे आती है एनर्जी रिलीज करके अब एनर्जी रिलीज कैसे होती है उसको समझाने के लिए उन्होंने बताया कि जब भी दो आइटम पास आते हैं तो पास आने पर यहां पर दो फोर्स लगेंगे और ये दो फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं देखो ये दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपल करेंगे और ये जो न्यूक्लियस होगा ये इसको अट्रैक्ट करेगा ठीक है ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे रिपल ये रिपल और ये इसको अट्रैक्ट करेगा इसको अट्रैक्ट करेगा यानी कि यहां दो तरह के फोर्स हैं एक अट्रैक्शन और एक रिपल्शन लेकिन अगर ये फिर भी पास आ रहे हैं और पास आकर के ऐसे बॉन्ड बना रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ अट्रैक्शन ज्यादा है रिपल्शन से हुँ? अब इस चीज को समझना है ग्राफ से पोटेंशियल एनर्जी कर्व से हमें इसे समझना पड़ेगा यहां पोटेंशियल एनर्जी है देखो आप ठीक है जीरो यहां पर आपकी पॉजिटिव है यहां ही नेगेटिव है ठीक है यहां पर अभी आर इन्फाइनेट था हम्म यानी कि इनफाइनेट से दो आइटम एक दूसरे के पास आ रहे आया ना जल्दी बोलो इनफाइनेट से एक दूसरे के पास आएंगे बेटा एक मिनट सोनू वाई हियर टेक अरे प्लेस नंबर ऑफ ये सब हम पढ़ेंगे बॉन्डिंग का पार्ट है अभी जो हम पढ़ा रहे पहले हम सोनू ये डिस्कस कर रहे हैं कि बॉन्ड क्यों बन रहा है फिर हम बताएंगे कि कितने बनेंगे है ना जी जी डेफिनेटली ये वीबीटी का पार्ट है जो आप पूछ रहे हैं सोनू एंड आई एम वेरी मच हाईली ओबलाइज कि अगर मैं वीबीटी में आपका ये डाउट क्लियर कर पाऊंगा आई प्रॉमिस कि ये डाउट तुम्हारा मिट जाएगा सोनू दोबारा ये डाउट कभी इस चैट बॉक्स में नहीं लिख पाएगा ठीक है चलिए सोनू जी तो यहां पर हम बात कर रहे थे कि ये आपका जो है वो आर रिजल्ट टू इनफाइनेट होगा यहां से अगर पास आ रहे तो इसका मतलब क्या होगा अभी, अभी बताया मैंने अट्रैक्शन ज्यादा होगा रिपल्शन से आया ना ठीक है अब ये पास आता जाएगा पास आता जाएगा पहला सवाल बोलो पास क्यों आएगा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए बॉन्ड बनाने के लिए बॉन्ड कैसे बनेगा एनर्जी रिलीज करके क्योंकि तो अभी बताया भैया एनर्जी रिलीज होगी तभी स्टेबिलिटी आएगा वरना बॉन्ड नहीं बन पाएगा क्लियर समझे अरे जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगा बॉन्ड नहीं बन पाएगा तो पास क्यों आएगा बॉन्ड बनाने के लिए आएगा ये पास आता जा रहा है अच्छा पास आ रहा है अट्रैक्शन हो रहा था एनर्जी रिलीज होगी रिलीज एनर्जी का साइन नेगेटिव या पॉजिटिव चलिए बोलो रिलीज एनर्जी का साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये सोचना पड़ेगा आपको तो ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव होगा तो साइन नेगेटिव है अगर मान लीजिए एक पॉइंट ये है एक पॉइंट ये है मेरे दोस्त एक पॉइंट ये है अगर मैं आपसे कहूं कि एक कंपनी में आपको एक करोड़ की नौकरी एक कंपनी में दो करोड़ की और एक कंपनी तीन करोड़ की नौकरी तो कहां पर जाकर नौकरी करना पसंद करोगे बे तीन करोड़ वाली बे मैक्सिमम स्टेबिलिटी पर हाँ ना बोल देना आज चैट बॉक्स भर देना हा या ना ओ भैया ओ जागो हम्म तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो इस पॉइंट पे भी एनर्जी रिलीज हो रही है इस पॉइंट पे भी हो रही है इस पॉइंट पर भी हो रही है लेकिन इस पॉइंट पर मैक्सिमम हो रही है तो इस पॉइंट पर बॉन्ड बनना पसंद करेगा मेरे लल्ला मचा दे हल्ला ठीक है कहां पर इस पॉइंट पर दिस इज कॉल्ड बॉन्ड फॉर्मेशन पॉइंट दिस इज कॉल्ड बॉन्ड फॉर्मेशन पॉइंट यस सर यहाँ पॉइंट बनेगा बॉन्ड और इस पॉइंट को कहा जाएगा बॉन्ड फॉर्मेशन पॉइंट और इस पॉइंट से जब हम इसकी डिस्टेंस लेंगे दोस्त तो ये डिस्टेंस क्या लाएगी बॉन्ड लेंथ इस पॉइंट पर जो एनर्जी रिलीज होगी उसका नाम होगा बॉन्ड एनर्जी समझ रहे बात को इसको क्या कहा जाएगा बॉन्ड एनर्जी ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी लेंथ ठीक okay? है अब मैं आपको जेई मेन के दो सवाल कराने वाला हूं जो आपको सिर्फ पहले लेक्चर में क्लियर हो गए देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेके जो आपके मत मिथ है भ्रम है जो डर है घबराहट है वो आपको बताता हूं आपको कोई भी बॉन्डिंग ऐसे नहीं पढ़ाता अगर आप बॉन्डिंग पढ़ते तो आपको सबसे सब पहले डेफिनेशन लिखाई जाती है डेफिनेशन लिख करके आपको एक चार्ट बनाते हैं केमिकल बॉन्ड दो टाइप के एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक उसके बाद आपको चार्ट में तीन लिखा देते आइनिक बॉन्ड बॉन्ड ठीक है मेटेलिक बॉन्ड इधर लिखा देते आपको हाइड्रोजन बॉन्ड और वॉन्डरवाल फोर्स उसको बाद चार्ट रट लेते चार्ट रटने के बाद सीधा

ठीक है ध्यान से सुनिएगा दोस्तों क्लियर अब मेरे को एक बात बताओ अगर मैं आपको दो सवाल दे दू ऐसे सवाल था यहां पर यह बॉन्ड फॉर्मेशन पॉइंट था यह लेंथ थी यह एनर्जी रिलीज हो रही थी दो सवाल दे दू पहला बॉन्ड फॉर्मेशन आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इस एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट एक्जोथर्मिक दूसरा एंडोथर्मिक आपको बताना है मैं नहीं बताऊंगा अरे पढ़ा देंगे लल्ला स्पंदन का मर जा रे हल्ला है अरे गर्दा मचाएंगे सब निपट जाएंगे मत पड़ो किसी चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में समझे बस आप फाड़ दिया बिल्कुल एकदम गर्दा मचा देंगे सिर्फ पढ़ने में दिमाग लगा देना सारा दिमाग पढ़ने में आ जाएगा तो अपने आप ही यहां से तू रैंक लेके जाएगा सवाल पे ध्यान दे ये है ताकत असली अगर सवाल सही होने लग जाएगा तो कॉन्फिडेंस भी आएगा मोटिवेशन भी आएगा रैंक भी आएगा स्ट्रेटजी में मन लग जाएगा पढ़ने में अच्छा लग जाएगा कॉन्फिडेंस आ जाएगा सिलेक्शन आ जाएगा रैंक भी आ जाएगा सवाल सोल्व कर पहले एक्सोथर्मिक अब बताइए कौन कह रहा था कि हमको नहीं आता है सर अब नहीं कर पा रहा हूं सर सर कैन आई गेट टॉप रैंक कैन आई स्टिल गेट टॉप रैंक सर यस डेफिनेटली यू कैन पढ़ना पड़ता है लेकिन भाई बिना पढ़े कैसे आ जाएगा यस ए आंसर क्लियर अच्छा एक बात बताएं अगर ये एक्सोथर्मिक होगा तो एनर्जी रिलीज होगा कि एब्जॉर्ब होगा हम्म? एनर्जी रिलीज क्लियर दोस्तों एनर्जी रिलीज अच्छा उल्टा बोलू बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस पूछ ले तो क्या पूछ ले बॉन्ड ब्रेकिंग बताओ फटाफट से बॉन्ड ब्रेकिंग मतलब एक बॉन्ड बन गया अब आप इसको बॉन्ड को ब्रेक करना चाहते हो फटाफट बोल। ये बॉन्ड बना एनर्जी रिलीज हुई अब इस बॉन्ड को ब्रेक करना है तो एंडोथर्मिक क्लियर एंडोथर्मिक क्लियर दोस्तों तो बॉन्ड फॉर्मेशन जो होगा वो एक्सोथर्मिक होगा बॉन्ड ब्रेकिंग जो होगा वो एंडोथर्मिक होगा बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होगी और बॉन्ड ब्रेकिंग में अब्जॉर्ब होगी कैसी होगी एब्जॉर्ब अब देखो जेई मेंस के पी वाई करेंगे हम ठीक है पहला सवाल आप मुझे करके बताएंगे अभी तक जितना पढ़ाया मैंने फॉलोइंग स्पीसीज इज मोर स्टेबल हम्म बोलो पहला ऑप्शन दिया उसने H दूसरा H- माइनस तीसरा H+ प्लस और चौथा एच टू जल्दी बताओ इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल होगा जल्दी आज फोड़ के रख देना भाई आज आमने सामने कोई आ जाए तो उसको निपटा देना सल्टा देना ठीक है किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि भाट इज गोइंग ऑन हम्म एंडोथर्मिक मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी देनी पड़ती है एक्सोथर्मिक जिसमें एनर्जी रिलीज होती है हम्म। अच्छा मुझे बताओ स्टेबिलिटी पूछा उसने सबसे ज्यादा स्टेबल आपको ये समझ में आ गया कि कोई भी एटम जो होगा वो एटम जब पास आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा हाँ या ना ग्राफ को वापस समझते हैं एक बार देखो क्या हुआ मेरा सवाल यह है यहां पर ये पोटेंशियल एनर्जी थी ठीक है ग्राफ को दोबारा समझना प्यार से पोटेंशियल एनर्जी थी अभी इन्फाइनेट पर थे दोनों आइटम एक दूसरे से बहुत दूर अब हमने कहा कि दोनों आइटम एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो पास आने पर हो क्या रहा था एनर्जी देखो अट्रैक्शन ज्यादा डोमिनेट करेगा तभी पास आएंगे आया ना अट्रैक्शन ज्यादा होगा तभी एक दूसरे के पास आएंगे हा या ना बोलो तो जब अट्रैक्शन होगा तभी पास आएंगे और पास होने पर क्या होगा ये देखो यहाँ अट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है पास आ रहे 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 हा है ना ये पास आ रहे देखो 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 मैक्सिमम इस पॉइंट तक पास आएंगे उसके बाद एनर्जी बढ़ जाएगी पूछो क्यों क्योंकि ये जितना ज्यादा पास आ सकते थे आगे उसके बाद न्यूक्लियस न्यूक्लियस का रिपल्शन आ जाएगा धक्का पड़ेगा न्यूक्लियस न्यूक्लियस का रिपल्शन आएगा तो धक्का लग जाएगा धक्का लग जाएगा इसलिए मैक्सिमम यहीं तक पास आ सकते हैं यानी मैक्सिमम अट्रैक्शन यहीं है और अगर मैक्सिमम अट्रैक्शन यही है तो यहां बॉन्ड बन चुका होगा और अगर ये बॉन्ड बन चुका होगा तो इसे बॉन्ड फॉर्मेशन पॉइंट कहा जाएगा और ये बॉन्ड फॉर्मेशन पॉइंट से जो डिस्टेंस होती है है ना वो कहलाएगी बॉन्ड लेंथ और इस पॉइंट पर जो एनर्जी निकली वो बॉन्ड एनर्जी कहलाएगी क्लियर अब यही सवाल है कि यार एटम जो है वो स्टेबिलिटी गेन कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन से एटम जो स्टेबिलिटी गेन कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन से तो इन सब में देख के बताओ किसमें बॉन्ड बन रहा है

गैस कॉन्फ़िगरेशन रख रहा है लेकिन आपको समझ में आ गया कि नहीं इन दोनों में से भी ज्यादा स्टेबल ये होगा बिकॉज यहां बॉन्ड फॉर्म हो रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है वो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी गेन कराती है इसलिए ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा एटम स्टेबल नहीं है क्योंकि वहां बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो रहा ना बेटा अकेला एटम कभी स्टेबल होता ही नहीं है वो बॉन्ड फॉर्म करके मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहना पसंद करता है क्योंकि मॉलिक्यूल की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है आया ना क्लियर अब मजेदार बात सुनना ध्यान से पूछो क्या मजेदार बात यह थी दोस्त कि मुझे यह समझ में आया कि बॉन्ड फॉर्मेशन से स्टेबिलिटी गेन हो रही है और मुझे यह समझ में आया कि जो नोबल गैस कॉन्फ्रिगेशन होता है उस नोबल गैस कॉन्फ्रिगेशन से स्टेबिलिटी नहीं आती है और यही रीजन था कि नोबल गैस कहा गया उन्हें पहले इनर्ड गैस कहा जाता था एच एच टू को पहले इनर्ट गैस कहते थे लेकिन इनर्ट गैस बदल करके उनका नाम क्या कर दिया गया अब नोबल गैस क्यों कर दिया गया नोबल गैस क्योंकि वो भी बॉन्ड बनाती हैं वो भी अगर बॉन्ड बना रही हैं तो वो ज्यादा स्टेबल है तो इसका मतलब क्या हुआ वो भी बॉन्ड बना रही है तो इसका मतलब वो बॉन्ड बना सकती है इसलिए इनर्ट नहीं है इसलिए उनका नाम इनट हटा करके नोबल गैस कर दिया गया नोबल का मतलब था लेस रिएक्टिव गैस गैस का मतलब क्या हो गया लेस रिएक्टिव गैस दोबारा बोलो अब एक सवाल दूसरा पूछेगा ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी जे एडवांस का सवाल है ये पी वाई क्यूज ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी अब ये थर्मल स्टेबिलिटी क्या होता है <coughs> एस सी एल ओ एस सी एल ओ टू एस सी एल ओ थ्री और एस सी एल ओ फोर एक बच्चा बार बार लिख रहा है एच प्लस एग्जिस्ट करेगा क्या हाँ बेटा एच प्लस भी एग्जिस्ट करेगा हमने एग्जिस्टेंस की बात नहीं की थी हमने बोला था स्टेबल ज्यादा कौन है हाँ अब देखो मैं इनका स्ट्रक्चर भी बता देता हूं ठीक है आपको स्ट्रक्चर बनाना हम बाद में सिखाएंगे आपसे बोला है ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब समझना हीट देके तोड़ देना थर्मल मतलब होता है थर्मल थर्मल मतलब समझते हो हीट देके तोड़ना अगर आपने हीट देके तोड़ा और कोई जल्दी टूट गया तो वो ज्यादा थर्मल स्टेबल है अगर कोई हीट देके कम देर से टूटा तो वो कम स्टेबल है दोबारा बोलो अगर वो टेंपरेचर जल्दी टूट गया हीट देने पर तो वो कम स्टेबल है अब आपको दिमाग में थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी ये आपका जी एडवांस का सवाल है सब्जेक्टिव ऐसा है, कैसा क्वेश्चन था जल्दी बोलो फटाफट फटाफट फट, आज तो निपटा देना तुम इनऑर्गेनिक को लेकर के जो भी डर है वो सब हटा देना भाई देखो यार आप है ना रेंडम डाउट पूछोगे तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा रेंडम कुछ भी लिख दोगे गलत आपको डाउट पूछने का एक तरीका समझो कंटेंट जो चल रहा है उसी में से पूछो उस उसमें जो समझ में नहीं आया है ना ऑक्सीएसिड क्या होता है वो टॉपिक आएगा जब पढ़ा देंगे क्या होता है अभी मैंने बताया ना कि टॉपिक कौन कौन से होंगे हम्म तो मेरे हिसाब से ऑर्डर ये आना चाहिए कितने बच्चे एग्री कर रहे हैं बताओ क्यों क्योंकि जब आप यहाँ से यहाँ गए तो आपने क्या देखा नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ रहे हैं नंबर ऑफ़ बॉन्ड्स बढ़ रहे हैं तो स्टेबिलिटी बढ़ रही है स्टेबिलिटी बढ़ रही है नंबर ऑफ़ बॉन्ड्स बन रहे हैं तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ हो रही है यहाँ एनर्जी अगर ज़्यादा रिलीज़ हो रही होगी दिमाग की बत्ती जलाओ तो ज़्यादा तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी और अगर एनर्जी ज़्यादा तोड़ने के लिए देनी पड़ेगी तो क्या होगा स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी ठीक है आया ना नहीं पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड मत देखो अभी अभी थर्मोडाइनमिक्स चलो बॉन्ड बनने पर एनर्जी निकलती है तो बताओ दिमाग लगाओ हाँ है ना यार देखो आज है ना फील करो यार आप पढ़ने का एक तरीका भी आपको मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा रेंडम डाउट से बचने की कोशिश करें अननेसेसरी डाउट को पूछने की कोशिश ना करें फालतू डाउटों से दूर रहें कॉन्सेप्ट को क्लियरिटी से चलाने दो है ना कि आपसे पूछा बॉन्ड क्यों बनता है तो आपका दिमाग बॉन्ड पर रखो बॉन्ड उधर देखो आप एक भी बॉन्ड नहीं बन रहा था देखो क्लियरिटी कितनी अच्छी हुई यहां एक भी बॉन्ड नहीं बना सिर्फ इसमें एक बॉन्ड बन रहा था इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल आया हाया सीएल बेटा सात बना सकता है ना मोहन आपको नहीं पता इसीलिए आप कंफ्यूज हो रहे हैं हम कोवेलेंसी करके एक टॉपिक पढ़ेंगे अभी है ना तब आपको सिखाएंगे कि सीएल मैक्सिमम सात बॉन्ड बना सकता है ठीक है तो यहां पर अब सारे बॉन्ड बना रहे हैं तो दिमाग की बत्ती नहीं जली आपकी दिमाग की बत्ती जलाओ सेंटर से चिंगम चबाओ और जवान पे लगाम लगाओ आ, क्योंकि यहां से अगर आप इधर जाओगे इधर जाओगे इधर जाओगे तो क्या होगा बॉन्ड ज्यादा बनते जा रहे हैं बॉन्ड ज्यादा बनते जाएंगे तो स्टेबिलिटी ज्यादा होती जाएगी क्योंकि अब ज्यादा बॉन्ड बनेंगे तो उनको एनर्जी ज्यादा लगेगी तोड़ने के लिए नहीं समझे थर्मल स्टेबिलिटी मतलब होता है टेम्परेचर देके मॉलिक्यूल को तोड़ना दोबारा से सुनेंगे रंजीत जी थर्मल स्टेबिलिटी दुर्गेश ध्यान से सुनेंगे हाय दुर्गेश ओ माई गॉड गुड टू सी यू वाव ठीक जी जी प्लीज गिव टाइम फॉर नोट्स वेरी गुड वापस से यहां से बताओ फटाफट जल्दी 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 जल्दी, जल्दी इनमें देख के यहां एक बॉन्ड है यहाँ तीन है या पांच है या सात है तो सी बात है सात बॉन्ड में ज्यादा एनर्जी लगेगी तो ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी थर्मल स्टेबिलिटी बोलो या स्टेबिलिटी बोलो एक ही बात है क्योंकि हम स्टेबिलिटी थर्मोडाइनेमिक स्टेबिलिटी ही पढ़ते हैं दोबारा बोलो दुर्गेश दोबारा बोलो थर्मोन थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब है हीट देकर तोड़ना टेम्परेचर देकर करके तोड़ना ठीक है क्लियर तो आप दिमाग लगाओ टेम्परेचर दे के तोड़ रहे हैं तो जो ज्यादा ज्यादा आपका टेम्परेचर देना पड़ेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा हाँ या ना तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा अब आगे देखो अब एक सवाल पूछा उसने कि विच ऑफ द फॉलोइंग ये जेई मेन्स का है भाई पी वाई क्यू पहली क्लास में तीन पी वाई क्यू हो गए अभी तक ए बी मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल है हाँ उसके लिए ठीक है तो एबी मॉलिक्यूल के लिए हम बात करें तो देखो क्या होगा उसने दिया ये ग्राफ दे दिया एक ए ठीक है बी और डी <coughs> बताओ कौन सा मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन को बताएगा ए बी के लिए कौन सा जल्दी बोलो पी वाई क्यूज मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब जो क्वेश्चन जेई मेंस में पिछले आ चुके हैं पहले ठीक है वो हम सही करेंगे ठीक है हाँ पी वाई क्यूज का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नीट के लिए भी पढ़ सकते हैं हाँ ये सिस्टमेटिक ही पढ़ रहे हैं हम कौन है ये भाई जो कह रहा सिस्टेमेटिक नहीं पढ़ रहे बॉन्डिंग सिस्टमेटिक जो पढ़ाया सिर्फ उसी के पी की उस कॉन्सेप्ट पढ़ा, पढ़ा, से प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन और यही एडवांस में आए हैं दैट इज द मोस्ट सिस्टमेटिक मेथड क्या आपको ये समझ में आया कि उसे एक कॉन्सेप्ट से कैसे पढ़ सकते हैं कैसे सवाल आते हैं आप लोगों को यही तो मतलब क्या बोलूं हम मैं ऐसा बनाया गया कि पहले वो ऐसे रटवाने वाली थ्योरी लिखाते हैं वो इनऑर्गेनिक ऐसी है ही नहीं हाईली कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है भाई क्या बोला मैंने हाईली कंसेप्चुअल सब्जेक्ट पीरियोडिक जो बोल रहे हैं मैं उनको बता दूं ये ट्वेल्थ क्लास है ट्वेल्थ क्लास जो अगर हुए तो आपको ट्वेल्थ क्लास में पीरियोडिक नहीं होती इलेवंथ में होती है तो आप इलेवंथ में करेंगे उसको चलो इसका आंसर बताओ नहीं 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 जल्दी, जल्दी 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 गलत आ रहा है यार मैं सोच रहा था सही आएगा लेकिन कई बच्चों का मिस्टेक्स आ रही हैं इसमें करेक्शन कर लो ये आएगा आंसर क्योंकि यहां देखो सबसे लोअर एनर्जी इस पॉइंट पे ही तो आएगी हम्म बी कैसे हुआ ये ए है ये सी बी दिया ना अच्छा ये बी दिया था सॉरी 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 बी आंसर यस क्योंकि इसी पॉइंट पर सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी यहां पर तो एनर्जी ऊपर बता रखी है यहां पैरलर बता रखी है यहां ऐसे ले जा रहा है गलत नोट करो इसको फटाफट जल्दी <coughs> गजब कृष्णा हाय अनिकेत हाय कृष्णा हाय सिद्धि हाय आयुष वाह हाय अंशु हाय नंदकिशी हाय तनेश हाय नैना काशी हाय अमित हाय अद्रीज हाय यशर हाय रजेश हाय वेदांत ओ माय गॉड हाउ सूरज हाय संकल्प गजब अब देखो अगला सवाल देता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन देखना अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि ये एच और एच मिलकर के मॉलिक्यूल बना रहे एक तो ये पॉइंट दे दिया उसने एक पॉइंट ये दे दिया और क्वेश्चन दे दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग ये पॉइंट दिया ए ये पॉइंट दिया बी और ये पॉइंट दिया सी मॉलिक्यूल दे रखा उसने एच टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इज करेक्ट फॉर एच टू मॉलिक्यूल ठीक है नहीं नहीं डायग्राम नहीं विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट A में दिया हुआ उसने ये बी e में दिया हुआ उसने सी e में दिया हुआ उसने सी और डी में दिया हुआ नन आंसर बताओ हम्म कौन सा पॉइंट आएगा आंसर आंसर तुम तो गलत यही मैंने इसीलिए कन्फ्यूज किया है इसमें ये भी ऐसे ही कंफ्यूज करती है आंसर पूछा है मैंने ध्यान सुनना आप गलत आंसर दे रहे हैं यही एडवांस यही गड़बड़ करवाती है आपसे और आप फंस गए हम्म यहां पर आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर दिया लास्ट वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया एक बच्चा बोल रहा कौन सा था तो लास्ट वाला क्वेश्चन ये अभी अभी बताया आपसे कि यार जो बनता है डायग्राम या कोई भी एनर्जी लेवल वो ऐसे तो ही तो होता है यही तो होता है जिसमें मैक्सिमम यहां पर बनता है ये तो इससे पोटेंशियल एनर्जी जीरो और यहां पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है यहां पर आपका जीरो होती है यहाँ आपका नेगेटिव नेगेटिव में पैरलर चलता है क्या ग्राफ बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जिन बच्चों को ये वाला सवाल समझ में नहीं आया वो समझा क्या ग्राफ पैरलर चलता है बॉन्ड बनता है जब नहीं ना क्या ऐसे ऊट पटांग चलता है नहीं ना क्या ऐसा ऊपर जाता है पॉजिटिव में नहीं ऐसा सिस्टमैटिक होता है जिसमें सबसे लोएस्ट पॉइंट पर जाकर बॉन्ड बनता है इसका मतलब ये आंसर सी था है ना अब इधर देखो अब इस कहाँ गया वो अब इस पॉइंट पर देखो तीन बिंदु है जहां पर मॉलिक्यूल बना सकता था बॉन्ड ऐसे एक ये दो और ये तीन ये तीन पॉइंट ऐसे हैं जहां पर बॉन्ड बन सकता था एक दो तीन तो हर बार हमने सवाल पूछा कि किस पॉइंट पर बॉन्ड बनता है बताओ तो हमने कहा था इस पॉइंट पर बनेगा अब ये ऑप्शन कहां दे रखा यहां तो आंसर बी जाएगा ना है तो ए पॉइंट तो आंसर क्या जाएगा सॉल्यूशन सॉल्यूशन की बात करो तो क्या होगा पॉइंट ए रिलीज बोलो मैक्सिमम एनर्जी दोबारा बोलो पॉइंट ए रिलीज मैक्सिमम एनर्जी इसलिए आंसर बी गया है यस योर आंसर इज करेक्ट लेकिन कई बच्चों ने आंसर ए दिया था तो वो ए आपने पॉइंट ए दिया ये तो सही है लेकिन आंसर में ए नहीं जाएगा क्योंकि ए तो बी पॉइंट को दिखा रहा है आप समझ ही नहीं पाए क्वेश्चन फील आई कुछ अरे बोलो आए ना फील आ रही है तो मैक्सिमम एनर्जी जहां रिलीज होगी उसको अपन ये कहेंगे क्लियर जी एक बच्चा कह रहा है प्लीज क्लियर कॉन्सेप्ट हाँ बेटा कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है जल्दी बताओ कोई प्री रिक्वेस्टेड नहीं है यार थोड़ा सा मैं जो समझा रहा हूँ वो फील लेते जाओ आपको मजा आ जाएगा सी और क्यों नहीं है बॉन्ड फॉर्मेशन हमेशा कहाँ होगा जहां मैक्सिमम एनर्जी रिलीज होगी कई बच्चे कह रहे हैं ये आंसर क्यों नहीं गया यहां एनर्जी रिलीज तो हो रही है मैंने एक सवाल दिया था भूल गए मैंने कहा था एक करोड़ की नौकरी मिले दो करोड़ की मिले तीन करोड़ की मिले तो क्या होगा कहा जाना पसंद करेंगे आप? आपने कहा था तो तीन करोड़ में यहां भी एनर्जी रिलीज हो रही है यहां भी एनर्जी रिलीज हो रही है यहां भी एनर्जी रिलीज हो रही है तो क्या हो रही है मैक्सिमम एनर्जी रिलीज हो रही है तो अगर मैक्सिमम एनर्जी रिलीज हो रही है तो इस पॉइंट पर सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी इसका मतलब इस पॉइंट पर बॉन्ड फॉर्म होगा इस पॉइंट पर आपका मोलिक्यूल बनेगा आया ना बोलो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बेटा आप बारहवीं क्लास में है अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी नहीं आती तो एक बार आप जाके घर पे मैं बता देता हूं पोटेंशियल एनर्जी एक एनर्जी होती है ठीक है जो यहां पर है इसके बाद डिटेल में फिजिक्स में आप पढ़ोगे उसको सब समझ में आ जाएगा ठीक है समझ रहे बात को आया ना क्लियर भाई लिखते भी जाओ यार मेरा मोटिवेशन तो बढ़ाना आप ही का काम है आप मुझे डिमोटिवेट कर दोगे तो कैसे काम चलेगा हाँ मैक्सिमम एनर्जी रिलीज मैक्सिमम स्टेबिलिटी उसके बाद अगला आता है क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड्स हमारे पास दो तरह के बॉन्ड्स होते हैं पहला स्ट्रांग और दूसरा वीक पहला स्ट्रांग दूसरा वीक स्ट्रांग बॉन्ड जो होता है वो कौन कौन सा होता है देखो आयनिक, कोवेलेंट और मेटेलिक कोवेलेंट में भी दो होते हैं एक कौन कौन सा होते हैं बताओ हम्म सिंपल कोवेलेंट और एक कोऑर्डिनेट। सिंपल कोवेलेंट में भी दो होते हैं सिग्मा और पाई वीक में दो होते हैं एक होता आपका एच बॉन्डिंग ठीक है ये आपका बनता है फॉर्म्ड बाय एफ ओ एन ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एंड समटाइम्स क्लोरीन और ये होता आपका वांडरवाल फोर्स में डायपोल डाइपोल डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल ठीक है ये तीनों जो होते हैं ना वांडरवाल फोर्स कहलाते हैं इसके अलावा दो फोर्स और होते हैं वीक फोर्स में आयन डाइपोल और आयन इंड्यूस डाइपोल ठीक है जी बिल्कुल बिल्कुल सक्षम जी नो नीड टू वरी यार ऐसे थोड़ी टेंशन लेंगे अपन क्लियर आप अभी भी क्या एल जी के बच्चों की तरह डाउट पूछ रहे नोट दे दोगे शीट दे दो, मैं यहाँ पर आपको हाई लेवल रैंकर बनाने की बातें कर रहा हूँ करेंगे मेरा सवाल, सवाल अब यह है कि ये तो क्लासिफिकेशन कोई भी बता देगा आपको और हमें आना चाहिए ये तो मेरा सवाल अब यहाँ पर है भाई दोस्त ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है वो वीक बॉन्ड है क्यों ये स्ट्रोंग क्यों है वो वीक क्यों है बताओ डाउट ये है कि ये स्ट्रांग क्यों है और वो वीक क्यों है अब डाउट तो ये आ रहा है भाई हम्म बोलो बेटा डेल्टा बॉन्ड भी आएगा ब्रिज बॉन्ड भी आएगा बैक बॉन्ड भी आएगा श्री सारे बॉन्ड आएंगे पर हम अभी यहां बेसिक बॉन्ड्स लिखे हैं जो जनरल बॉन्ड्स बाकी हम सारे करेंगे ठीक है अब बताओ फटाफट यस सर तो सवाल है ये कि ये स्ट्रांग क्यों है और ये वीक क्यों है अरे रटे रटाए आंसर दे रहा 40 मैंने। है फोर्टी डिग्री जी ले क्या होता है फोर्टी डिग्री ने रट लिया एक जगह से थोड़ा लॉजिक से बात कर जो अपन ने पढ़ा उस लॉजिक से आंसर दे गलत वीक वाले में लेस एनर्जी यस बिल्कुल सही है वेरी गुड अब सवाल ये कि वहाँ एनर्जी लेस क्यों निकल रही है मेरा मैसेज आप तक नहीं पहुँच रहा पहुँच रहा है बेटा कौन सा मैसेज है बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं ना तो पढ़ नहीं पा रहा हूँ मैं क्या ये डाउट आप करके लाएंगे क्या आप ये डाउट करके लाएंगे कि ये स्ट्रांग क्यों है और ये वीक क्यों है बोलो क्या आप सोच कर आएंगे कि ये स्ट्रांग क्यों है और ये वीक क्यों है बोलो नहीं 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 बहुत इंपॉर्टेंट है भाई थोड़ा सा मैक्सिमम अच्छा मेरा सवाल है अगर आप ये कहते हो कि यहाँ एनर्जी रिलीज होती है ज्यादा यहाँ कम एनर्जी रिलीज होती है तो मेरा सवाल है ये ज़्यादा एनर्जी रिलीज क्यों होती है कम क्यों होती है बताओ बोलो यहाँ एनर्जी ज़्यादा क्यों रिलीज हो रही है और यहाँ कम क्यों हो रही है बोलो बोल मेरे दोस्त ओ मेरे दोस्त मेरे दोस्त हम्म बोलो नहीं 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 क्यों यही तो क्वेश्चन है क्या आप सोच कर लाएंगे बोलो नेक्स्ट होमवर्क है आपका ये ये आपको होमवर्क करके लाना है कि ये स्ट्रांग क्यों है और ये वीक क्यों है ये स्ट्रांग क्यों है ये वीक क्यों है क्लियर चलिए अब यहां तक आपका पढ़ा दिया होमवर्क आपको दे दिया मैंने आज का कि आप सोच कर लाएंगे पीडीएफ आपको मिल जाएगी अभी ठीक है जो भी डाउट्स हों आप मेरे से एक बार पूछ लो आज के लेक्चर में जितने भी डाउट्स हैं फटाफट से हाँ रिफ्रेश यस वेरी गुड आप जितने भी डाउट से पूछ लो और प्लीज़ फीडबैक दो कि कैसा लगा लेक्चर में कोई दिक्कत आई कोई प्रॉब्लम है प्लीज़ कैसा लगा गर्दा मचा दिया हो तो गर्दा लिखना है ठीक है अच्छा लगा तो अच्छा लिखना है ठीक है और कोई डाउट है तो वो डाउट लिखना है जल्दी से तीनों फीडबैक दे दो फटाफट आज के चैट में आपकी चैटिंग नहीं आ रही रिफ्रेश हम रिफ़्रेश जल्दी 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 मतलब अब चटनी आएगी हैं ठीक चलो बाय बाय मिलते हैं